हेलो पेरेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। चलिए देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है काउंट एंड राइट वंस टेंस। देखिए, ये वंस टेंस जो होता है, जब हम बच्चे को अपने काउंटिंग करना स्टार्ट कराते हैं 1 to 100 की, तो बच्चे स्टार्टिंग से लेके वंस से लेके 100 तक की काउंटिंग कर लेते हैं। बट उनको वंस टेंस एंड 100 में कन्फ्यूज़न बहुत होता है जब हम उनको एडिशन के क्वेश्चन कराते हैं या फिर सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन कराते हैं। ओके, तो उनको ये भी टॉपिक क्लियर कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे छोटे बच्चों के लिए। तो देखते हैं कि बच्चों को कैसे हम इस टॉपिक को क्लियर करा सकते हैं। ओके, तो बट आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी मोस्ट 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 रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं और आपने अभी मेरी पहले की वीडियो वॉच कर रखी और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो वंस टेंस होता है, अगर डायरेक्टली आप बच्चों को जो है वंस टेंस स्टार्ट कराएंगे पढ़ाना, तो 0 to 1, 0 to 2 या फिर 0 to 3 इस टाइप से अगर आप करते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ओके, तो इसलिए आप 11 से स्टार्ट कराइए या फिर 20 से स्टार्ट कराइए, बट 11 से स्टार्ट कराएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप इस तरीके से फिगर ड्रॉ कर लीजिए। आप कई तरीके से फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, बट किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, किसी पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि वो फिगर ड्रॉ करें और बच्चों को इस तरीके से सॉल्व करना बताएं। तो अगर आपको ये इजी लग रहा हो तो ये इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकती हैं, या फिर प्रैक्टिस बुक सीट आती है, आप उसकी भी हेल्प ले सकती हैं। तो देखिए, इस तरीके से जब आप फिगर ड्रॉ कर लेंगी तो बच्चे को जब आप काउंट करवाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आप तो कहेंगे कि इसमें वन ही लाइन में हम 11 लिखवा करवा सकते हैं। बट देखिए, अगर आप 2 लाइन ड्रॉ करके इसमें फिगर ड्रॉ करती हैं और उसके बाद बच्चों को काउंट करवाती हैं और लिखती हैं, तो बच्चों को जब बच्चा आपसे क्वेश्चन करेगा कि ये 2 लाइन में क्यों है, ये तो 1 लाइन में भी कम्प्लीट हो सकता था, तो आप ये बताएंगे कि नहीं, इसमें डिफरेंस है वंस और टेंस की, आपको भी इसी तरीके से वंस और टेंस को बताना है। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है इस तरीके से ड्रॉ करने में। तो आप 2 to 2 लाइन ड्रॉ करिए, उसमें इस तरीके से फिगर ड्रॉ कर लीजिए और बच्चे से पूछिए कि जो है बच्चे से काउंट करवाइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, तो यहाँ पे आपको कितना आएगा, तो बच्चा कहेगा 11। एंड इधर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ आपका 12 आएगा। तो बच्चों से इस तरीके से काउंट करवाइए, बच्चों से कहते चलिए कि जो आपका ये जो वंस है, टेंस है, ये आपका जो है इस तरीके से लिखा जाता है, काउंट किया जाता है, और वंस हमेशा फर्स्ट इधर इस साइड होता है, लेफ्ट साइड, एंड राइट साइड आपका टेंस होता है। ठीक है, और ये आपका हो गया वंस। फिर इस तरीके से काउंट करवाइए बच्चों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर यहाँ पे आप बच्चों को 13 काउंट करवा के लिखवाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर बच्चा आपका इस तरीके से काउंट करके लिखेगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो बच्चा आपका इस तरीके से काउंट करके लिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो आपका इस तरीके से आप 20 तक बच्चों को काउंट करवा लीजिए, जैसे यहाँ पे 17। ठीक है, बच्चों से काउंट करवा करवा के आप करवाइएगा प्लीज़, क्योंकि बच्चा जब काउंट करके लिखेगा तो उसको जो है समझ में आएगा और वो ये राइट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बच्चों से करवा लीजिए। बच्चों को आपने बताया है कि वंस टेंस के लिए आपको इस तरीके से पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद यहाँ पे आप लिखवाइए, जैसे ये आपका टेंस है, टेंस में लिखना है और इसको आपको वंस में लिखना है। तो बच्चा वंस में पहले देखिए, स्टार्टिंग जब भी एडिशन की होती है तो वंस से स्टार्टिंग होती है, टेंस से स्टार्टिंग नहीं होती है, वंस से स्टार्टिंग होती है। तो ये आपका वंस है, ये टॉपिक एडिशन में बहुत काम आता है, सब्सट्रैक्शन में बहुत काम आता है, इस वजह से जब भी आपका एडिशन होगा तो वो वंस से स्टार्ट होगा और
टेंस पे फिर जाएगा। और इस वंस टेंस के टॉपिक को इसलिए हमको समझाना बच्चों को ज़रूरी होता है क्योंकि कैरी वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ये बेनिफिट करता है बच्चों को, अगर ये टॉपिक क्लियर रहता तो। ठीक है, तो आपका टेंस हो गया वन। फिर ट्वेल्व में टेंस क्या है, वंस क्या है, बच्चों से क्वेश्चन करिए तो बच्चा बताएगा आपका टू जो है आपका वंस है एंड टेंस आपका वन है। इसी तरीके से थ्री आपका वंस है एंड वन आपका टेंस है। फोर आपका वंस है एंड टेन आपका वन है। इसी तरीके से आप 20 तक काउंट करवाइए, फिर 30, 40, 50 इस तरीके से आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा दीजिए ताकि उसके दिमाग में ये चीज़ें सेट हो जाए। 15 में 5 आपका वंस होगा और 1 आपका टेंस होगा। 16 में 6 आपका वंस होगा, 1 आपका टेंस होगा। 17 में 7 आपका वंस होगा और 1 आपका टेंस होगा। तो ये टॉपिक बच्चों को क्लियर कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से मेरी आप लोगों से मोस्ट रिक्वेस्ट है कि ये टॉपिक बच्चों को आप ज़रूर क्लियर करवा दीजिए, तभी आप एडिशन विद कैरी वाले क्वेश्चन बच्चों को अच्छे से समझा सकती हैं। सो प्लीज़ ये टॉपिक जिस तरीके से भी आपसे हो सके, बुक में, कॉपी में, ड्रॉ करके, किसी भी तरीके से आप बच्चों को इस तरीके से वंस टेंस ऊपर लिख देंगी तो बच्चा खुद जानेगा कि आपका वंस क्या है और टेंस क्या है। बच्चों का ये बेनिफिट होता है और बच्चे फिगर के थ्रू ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं ये समझने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑलवेज़ बी हैप्पी।